हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अपन पढ़ रहे थे यार ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, श्वसन एवं गैसों का विनिमय। और इस चैप्टर के अंदर अपन लास्ट में आ चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैसों का परिवहन, कि जो भैया आप O2 और CO2 जो है उसका परिवहन कैसे होता है। मान लिया आपको ये बात भी पता है कि भाई ऑक्सीजन और CO2 की जरूरत किसको है, किसको होती है? आपकी कोशिकाओं और उत्कों को जरूरत होती है। बिल्कुल ठीक बात है। और ऑक्सीजन और जो CO2 है वो होती कहाँ पे है? वो होती है यार आपके फेफड़ों में, ठीक है। ऑक्सीजन कहाँ आएगी? फेफड़ों में। अब उस ऑक्सीजन को कहाँ पहुंचाना है आपको? उत्कों के पास में, कोशिकाओं के पास में। कैसे पहुंचाओगे भाई, कैसे पहुंचाओगे? तो उसका जो माध्यम हो क्या है? आपका रक्त, ठीक है। और आपको पता परिवहन क्या होता है? अरे परिवहन किसको बोलते हैं? बसों पर भी आपने देखा होगा अलग अलग राज्यों की बसों पर परिवहन लिखा हुआ होता है, ठीक है। क्या है वो परिवहन? परिवहन का मतलब है कि किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पर क्या है ले जाना, वही परिवहन हो जाता है। उसी को क्या है? ट्रांसपोर्ट कहते हैं उसी को, है ना। यहां पर क्या करना है? ऑक्सीजन को फेफड़ों से उठा के और उसको उत्कों के पास में लेके जाना है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको उत्कों के पास में से लेके फेफड़ों के पास में लेके आना है। तो एक एक जो जगह चेंज करनी है अपन को, इसी को क्या कहते हैं अपन? परिवहन कहते हैं। यहां पर क्या होगा? गैसों का परिवहन। तो मेन जो अपन गैस जिसका परिवहन करते हैं वो कौन सी काम की गैस है? ऑक्सीजन और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। इन दो गैसों की अपन बात करेंगे। चलो जी स्टार्ट करते हैं गैसों का परिवहन। तो मोटी मोटी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि ऑक्सीजन कहाँ है। आपने हवा ली, ठीक है, और आपके फेफड़ों में क्या आ गई? हवा आ गई। अब यहां पर मैंने पार्शियल प्रेशर जो आंशिक दाब है उसका खेल मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझा दिया था पूरा। ऑक्सीजन जो है उसकी जरूरत किसको है? उत्कों को जरूरत है, क्योंकि जो ग्लूकोज है उसको तोड़ने में ऑक्सीजन की सहायता लगती है। ये मैंने आपको पहले लेक्चर से बता रहा हूं ये बात। अब ऑक्सीजन कहाँ है? फेफड़ों में। ऑक्सीजन को कहाँ लेके चाहिए? जरूरत कहाँ पे है? उत्कों के पास में। तो ऑक्सीजन को अपन उठाएंगे कहाँ से? फेफड़ों से उठाएंगे और कहाँ लेके जाएंगे? उत्तक को देके आएंगे। और उत्तक के पास में क्या है? टिश्यूज के पास में क्या है? CO2 है। उस CO2 को टिश्यूज से उठाएंगे और उसको फेफड़ों तक लेके आएंगे, फेफड़ों से उसको बाहर निकलवा देंगे। ये प्रोसेस अपन को करनी है। अब यार ये जो लाने ले जाने की प्रोसेस है ना, ये होती कैसे है, इसको समझेंगे आज के लेक्चर में। देखो अब ये ऑक्सीजन CO2 आएगी जाएगी कैसे? ये आएगी जाएगी आपकी रक्त की मदद से जाएगी। कुछ जो है वो रक्त के अंदर घुल के जाएंगी और कुछ जो है वो हीमोग्लोबिन के ऊपर बैठ के जाएंगी, ठीक है। अभी आपको समझाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा, ध्यान से देखना बस। देखो गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन और CO2 के परिवहन का माध्यम क्या है भैया? रक्त। ऑक्सीजन और जो CO2 है इनके परिवहन का माध्यम क्या है? रक्त है जी, ठीक है, रक्त है। चलो 97% जो ऑक्सीजन है ना, 97% जो ऑक्सीजन है वो RBC द्वारा उसका परिवहन होता है। ऑक्सीजन का जो 97% हिस्सा है उसका परिवहन किसके द्वारा होता है? RBC। और RBC में भी क्या, RBC में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। तो 97% जो ऑक्सीजन है ना वो हीमोग्लोबिन के ऊपर बैठ के जाएगी। हीमोग्लोबिन ऐसे समझो गाड़ी है, और हीमोग्लोबिन पर क्या है? ऑक्सीजन बैठेगी, हीमोग्लोबिन चलती जाएगी और टिश्यूज के पास में जाके ऑक्सीजन को उतार देगी, ठीक बात है। 97% ऑक्सीजन तो RBC द्वारा परिवहन हो गया, मान लिया भैया, लेकिन 3% जो बच गया वो 3% ऑक्सीजन जो है वो प्लाज्मा में घुले अवस्था में जाएगी। आपको एक चीज तो पता है यार, बहुत बेसिक बात बता रहा हूं, रक्त जो है उसमें दो पार्ट होते हैं। रक्त के अंदर दो भाग होते हैं, एक होता है आपका तरल भाग होता है, ठीक है, जो द्रव भाग होता है, और दूसरा होता है आपका ठोस, ठीक है। अब जो लिक्विड पार्ट होता है वो क्या है? आपका प्लाज्मा। लिक्विड पार्ट को क्या कहते हैं? ब्लड के अंदर दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं, एक होता है लिक्विड और एक होता है आपका सोलिड। जो लिक्विड भाग होता है उसके अंदर क्या है उसको कहते हैं अपन प्लाज्मा, है ना, वो एकदम तरल है, पानी जैसा है। और दूसरा आपका जो ठोस है उसमें क्या होती है आपकी RBC, WBC ये होती है, ठीक है। तो जो प्लाज्मा है जो कि क्या है, तरल भाग है, उस तरल में क्या है, जो जो आपका लिक्विड पार्ट है उसके अंदर आपका ऑक्सीजन जो वो घुल जाएगी,
3% ऑक्सीजन जो है वो तो घुल के आपके प्लाज्मा के अंदर चली जाएगी और बाकी के जो 97% बच गया वो क्या है, हीमोग्लोबिन के ऊपर बैठ के चला जाता है। ठीक है, अब इसको ऐसे समझो कि रक्त है, ठीक है, बिल्कुल पानी जैसे समझो, और ये मान लो कि तालाब है, पूरा एक बहुत बड़ा तालाब है, उसके अंदर दो लड़के हैं, दो लड़के तालाब के किनारे पर खड़े हैं, एक को तैरना आता है और दूसरे को तैरना नहीं आता, तो जिसको तैरना आता है वो तो तैर के चला जाएगा भाई, स्विमिंग मारेगा, और जिसको तैरना नहीं आता वो क्या करेगा, वो भाई नाव में बैठेगा और नाव में बैठ के चला जाएगा। अरे समझ में आई या नहीं आई? तो मैं ये कह रहा हूं 3% जो ऑक्सीजन है ना वो कैसे जाएगी, प्लाज्मा में घुल के जाएगी, तैर के जाएगी, और 97% जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगी, नाव पे बैठ के जाएगी, और नाव कौन है यहां पे, हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के ऊपर बैठेगी और हीमोग्लोबिन छोड़ के आएगी उसको फिर। समझ में आई या नहीं आई? ये तो बात हो गई ऑक्सीजन की। अब बात करते कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है 20-25% जो CO2 है ना उसका परिवहन किसके द्वारा होता है, वो होता है RBC के द्वारा। 20-25% जो आपकी CO2 है, लगभग 23% जो CO2 है उसका जो परिवहन है वो होता है आपकी RBC द्वारा, वही हीमोग्लोबिन पे बैठेगी। 20-25% ही है ना, ज्यादा नहीं, 20-25% जो CO2 है वो, उसको तैरना नहीं आता, वो RBC के ऊपर बैठती है, और जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन किसके अंदर होती है, RBC के अंदर ही होती है, तो हीमोग्लोबिन पे बैठेगी और छोड़ के आ जाएगी हीमोग्लोबिन उसको ना। 70% जो CO2 है वो कैसे जाती है, उसको तैरना आता है, और वो कैसे जाती है, बाइकार्बोनेट के रूप में जाती है। अभी समझाऊंगा यार, ये सारी चीजें समझाऊंगा अभी, बस आप ये मोटी मोटी जो बातें हैं वो ध्यान में रख लो अभी, इनको बिल्कुल आपको एक एक चीज जो है वो कैसे क्या होती है वो सारे समझाऊंगा, बाइकार्बोनेट क्या होता है सारा समझाऊंगा, केमिस्ट्री में बताया हुआ अभी मैंने आपको बाइकार्बोनेट क्या होता है, लेकिन चलो फिर से बताएंगे। 70% जो CO2 है वो बाइकार्बोनेट के रूप में प्लाज्मा से होते हुए जाएगी, भाई अपना रूप चेंज कर लेगी। ठीक है, वो है ना ऐसे, ये समझो कि ये जो दो लड़के खड़े हैं, ये तीन लड़के मान लो, ठीक है, तीन लड़के खड़े हैं, तालाब है, एक को तो बिल्कुल तैरना नहीं आता, तो उसको क्या कहा कि भाई तू तो जा, एक वरना डूब जाएगा तू, नाव में बैठ के चला जा। ठीक है, तो वो उसको भेज दिया नाव के अंदर, वो है आपका 20-25% CO2। दूसरा जो है वो है कुछ इच्छाधारी है, वो इच्छाधारी कैसे, वो अपना रूप चेंज कर सकता है, कैसे, वो पानी से बाहर रहेगा तो कैसे, किस रूप में रहेगा, CO2 के रूप में रहेगा, लेकिन जैसे ही पानी के अंदर जाएगा अपना रूप चेंज कर सकता है। जैसे मैं इसको आप एक एग्जांपल दूं, तालाब से वो लड़का बाहर है तो वो लड़के के रूप में है, लेकिन जैसे ही वो तालाब के अंदर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, मछली बन जाएगा। तो मछली तो बढ़िया तरीके जा सकती है ना, और जा सकती है नहीं जा सकती, बिल्कुल जा सकती है। तो ये जो 70% जो CO2 है ना ये प्लाज्मा से बाहर तो है किसके रूप में, CO2 के रूप में, लेकिन जैसे ही प्लाज्मा में जाएगी किस रूप में बन जाएगी, HCO3 नेगेटिव के रूप में जाएगी, फिर बाइकार्बोनेट के रूप में घुल के जाएगी फिर। समझ में आई या नहीं आई? आई। फिर 7% जो CO2 जो तीसरा लड़का है वो क्या करेगा, भाई मेरे को तैरना आता है, मेरे को रूप रूप चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैं तो सीधा तैर के जाऊंगा, तो वो सीधा तैर के चला जाता। तो 7% जो CO2 है प्लाज्मा में घुलने अवस्था में चली जाती है। ये मैंने आपको मोटी मोटी बातें बताई, ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी सी बेसिक बातें बताऊंगा, उसके बाद हम अपन इसको थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, चलो। अब मैंने आपको कहा कि हीमोग्लोबिन के ऊपर बैठ के जाते हैं सारे, है ना, हीमोग्लोबिन के ऊपर ऑक्सीजन बैठी और हीमोग्लोबिन छोड़ के आएगा, CO2 जो हीमोग्लोबिन के ऊपर बैठी और हीमोग्लोबिन छोड़ के आएगा। ये जो हीमोग्लोबिन के साथ बंधन होता कैसे इसका, भाई हीमोग्लोबिन के ऊपर बैठेगी O2, मैंने आपको ऐसे बोल दिया कि बैठेगी ऊपर, लेकिन हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जो है आपस में बॉन्ड बना के और फिर जाते हैं वो, ठीक है, हीमोग्लोबिन और CO2 आपस में बॉन्ड बना के फिर वो जाते हैं। ठीक है, तो ये बॉन्ड कैसे बनता है उस बारे में अपन बात कर लेते हैं। हीमोग्लोबिन HB के साथ, HB क्या है, हीमोग्लोबिन HB के साथ बंधन, किसका बंधन, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं मैं, किसका बंधन भाई, किसका बंधन बताओ, ऑक्सीजन का बंधन कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो O2 का HB के साथ में बंधन हो गया तो क्या बन जाएगा, HbO2 बन जाएगा। ठीक है, और इसे HbO2 क्या कहेंगे, ऑक्सीहीमोग्लोबिन कहेंगे।
क्या कहेंगे? ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ठीक है। HB और O2 दोनों साथ में क्या है, आपस में बंधन बना लिया, ठीक है, और दोनों साथ में मिल गए तो क्या बन गया, HbO2 बन गया। इस HbO2 क्या कहेंगे अपन, ऑक्सीहीमोग्लोबिन कहेंगे। अरे बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है। चलो फिर बात करते हैं अपन किसकी, CO2 की बात कर लेते हैं, CO2। चलो कलर कलर विच कलर CO2, CO2 क्या बन जाएगा, HbCO2 बन जाएगा। इसको क्या कहेंगे अपन, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन कहेंगे इसको। क्या कहेंगे, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। अब आपके दिमाग में अगर आप ध्यान से लेक्चर को देख रहे हो तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, क्या आना चाहिए क्वेश्चन, यार ये आना चाहिए कि भैया CO2 और HB दोनों मिल रहे हैं, HbCO2 बन रहा है, तो एक कार्ब वर्ड जो है वो तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आ गया मान लेते हैं, हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन के लिए आ गया, ये अमाइनो कहां से आ गया भाई बीच में, CO2 और HB मिलने पर कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, अमाइनो कहां से आ गया, ये अमाइनो कहां से आता है उसकी बात अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। अभी हमने आपको दिमाग में क्वेश्चन जनरेट आप कर दिया, अब इसका आंसर अभी थोड़ी देर में दे देता हूं, ठीक है। और एक आपकी CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी होती है भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी होती है CO, ठीक है। वो अगर HB के साथ में आपके जो आपका हीमोग्लोबिन है इसके साथ में अगर मिल गई तो क्या बनेगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब इनके बारे में कुछ खास बात बता देता हूं, जो CO2 है ना, जो CO2 है वो 20 गुना ज्यादा जो है O2 के, O2 से 20 गुना ज्यादा जो है इसके साथ में बंधन बना सकता है, ठीक है। मतलब ये बात बताऊं मैं आपको कि HB और जो O2 है ना वो जितने वो जितना जल्दी आपस में बंधन बना सकते हैं उससे ज्यादा कहीं ज्यादा CO2 जो है ना वो हीमोग्लोबिन के साथ में बंधन बना सकता है, कितना गुना, 20 गुना अधिक जो है उस वो उसमें जल्दी बंधन बनाने की क्षमता है। तो इसमें यहां लिख देता हूं मैं 20 गुना गुना लिख दे गुना लिख दिया मैंने 20 गुना अधिक अधिक ऑक्सीजन से 20 गुना अधिक, और जो CO का जो O2 है सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड है उसकी कितनी है, उसकी है भैया आपकी 200 गुना ऑक्सीजन से 200 गुना अधिक, 1 गुना होता है यार इंग्लिश में टाइम्स टाइम्स करके ये सारे और भूल गए, ऑक्सीजन से 200 गुना अधिक, ठीक है। और मैं यहां गुणा ही होता ना जो भी होता है यार आपको समझने से मतलब है ना, ये क्या बंधन की क्षमता है ना, बंधन की क्षमता। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसकी जो हीमोग्लोबिन के साथ में जो बंधन की क्षमता है वो 200 गुना अधिक होती है किसके कंपेयर में, ऑक्सीजन के कंपेयर में। वही मैं बात करूं आपके CO2 की तो इसकी कितनी बंधन की क्षमता कितनी होती है, 20 गुना अधिक की क्षमता, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज और बता देता हूं, ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ेगी बंधन बनाएगी तो ये टूट भी सकती है, मतलब ये कैसा है, ये काम कैसा है, रिवर्सिबल है। अरे एक बार ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आपस में बंध गए तो आपस में ये टूट भी सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका जो HbO2 है सॉरी HbCO2 है ये एक बार आपस में बंध गए तो आपस में टूट भी सकते हैं, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन अगर आपस में बंध गए तो कभी टूटेंगे नहीं, फिर वो कभी टूट नहीं सकते। एक बार इनका बंधन बन गया ना, किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन का एक बार बंधन बन गया तो फिर वो टूटता नहीं है, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं ये दोनों जो चीजें हैं, ये दोनों ये कैसे हैं,
ये है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल, रिवर्सिबल को हिंदी में कहते हैं, एक मिनट, उत्क्रमणीय। ठीक है, तो ये क्या है, रिवर्सिबल है, मतलब एक बार आपके जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जो आपस में जुड़ गई तो आपस में टूट भी सकती है। अभी तोड़ के भी दिखाऊंगा आपको, एक जगह जुड़ेगी दूसरी जगह टूट भी जाएगी। ठीक है, वहीं इनका बंधन कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन का बंधन है, एक बार जुड़ेगा तो आगे जाके टूट भी जाएगा। लेकिन इसका जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन का अगर बंधन बन गया ना, तो फिर वो कभी टूटता नहीं है, फिर वो टूटता नहीं है। तो ये क्या है, इरिवर्सिबल है। क्या है, इरिवर्सिबल। ठीक है, लेकिन अपन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो जनरली जो है अपन को इतने आसानी से नहीं, अपने को O2 और CO2 से ही मतलब रखना है ना। चलो यहां पर और भी मैं आपको बता सकता हूं किसके बारे में, कि फ्री रेडिकल अगर आप ज्यादा पैक्ड फूड खा रहे हो, ठीक है, ऐसा खाना खा रहे हो जो ज्यादा पैकिंग वाला ही खाना है, तो उसमें क्या होते हैं यार, फ्री रेडिकल वगैरह होते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या है, बंधन बना लेते हैं किसके साथ में, हीमोग्लोबिन के साथ में। हीमोग्लोबिन क्या कर देते हैं, ऑक्सीडेशन वगैरह कर देते हैं ना, और उससे क्या है, बॉडी बॉडी में एक ब्लू बेबी सिंड्रोम टाइप का एक सिस्टम हो जाता है। उसके बारे में ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा, तो रहने दो ना, नहीं बताएंगे उसके बारे में आपको। थोड़ा सा पानी पी लें, उसके बाद में आगे की शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलो आज खत्म करेंगे चैप्टर को, नहीं चैप्टर तो कल खत्म करेंगे। थोड़ा सा पार्ट रहेगा जिसमें रेगुलेशन वाला पार्ट रहेगा, और उस आपके डिसऑर्डर वगैरह विकार वगैरह वो रहेंगे। बाकी यहाँ ये जो प्रीवेन वाला है, जो गैसों का प्रीवेन है, इसको खत्म करेंगे, है ना। तो यहाँ तक आपको बेसिक बातें समझ में आ गई। अब बात करेंगे अपन O2 का परिवहन की, बात करेंगे ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है। पहली बात तो आपको ये समझनी होगी कि ऑक्सीजन का परिवहन कहाँ से कहाँ तक करते हैं अपन। ऑक्सीजन का परिवहन अपन फेफड़ों से कहाँ लेके जाएंगे ऑक्सीजन को, उत्कों के पास में लेके जाएंगे, ये अपना परिवहन करना है। ठीक बात है, चलो। तो ये मैंने आपको बताया 2-3% जो ऑक्सीजन है वो प्लाज्मा में घुलने अवस्था में जाती है, और 97-98% जो ऑक्सीजन है वो आपकी, यहाँ O2 लिख देता हूँ मैं, 97-98% जो ऑक्सीजन है, इसको थोड़ा सा ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के ऊपर बैठ के जाती है, हीमोग्लोबिन के साथ ये बंद कर जाती है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन बना के जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हीमोग्लोबिन के साथ O2 और CO2 को जोड़ने का स्थान क्या है, कि भैया वो स्थान कौन सा होता है, वो स्थान कौन सा होता है जहां पर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जो है आपस में बंधती हैं। ठीक है भाई, हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन कहां पर जुड़ेगी, वो स्थान कौन सा है, और हीमोग्लोबिन के साथ में CO2 कहां पर जुड़ेगी, वो आपको स्थान में दिखाता हूं, और अभी आपको पता लगेगा कि उसको कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन क्यों कहते हैं। ध्यान से देखना, हीमोग्लोबिन जो है उसको देखना, ये आपका हीमोग्लोबिन। और आपको एक चीज पता है जी, आपको एक चीज पता है, क्या पता है भैया, आपको एक चीज पता है कि हीमोग्लोबिन के पास में दो टाइप की चेन होती है, एक अल्फा चेन और एक बीटा चेन। ठीक है, तो अल्फा चेन कितनी है, अभी दिखाता हूं आपको, अल्फा चेन कितनी है, अल्फा चेन है आपकी कितनी, देखो आपको एक बात और पता है आपको, कि जो अमाइनो एसिड है कैसी होती है, आपकी प्रोटीन की जो चेन होती है वो कैसी होती है, बहुत सारी अमाइनो एसिड आपस में जुड़ी हुई होती हैं। ये मैंने आपको लास्ट चैप्टर के अंदर बताया था ना, डाइजेशन जब अपन ने पढ़ा था। ठीक है, और यहाँ पर एक साइड में आपका NH2 जुड़ा हुआ होता है, दूसरी साइड में आपका COOH जुड़ा हुआ होता है, इसको अपन क्या कार्बन एंड बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, कार्बोक्सी एंड कहते हैं, इसको अमाइनो एंड कहते हैं। ये बात आपको पहले भी बताई थी मैंने आपको, पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता तो अभी बता दी मैंने आपको। ठीक है, एक चेन और है, एक चेन यहाँ पर ऐसे जुड़ी हुई है, ठीक है, उसके अलावा एक चेन यहाँ पे। ठीक है, तो ये से चेन जुड़ी हुई है, ये आपकी दो अल्फा चेन हो गई, ये आपकी दो बीटा चेन हो गई। ठीक बात है, अब ये जो चेन है, एक अल्फा चेन मान लेते हैं, इस अल्फा चेन के यहाँ पर ये COOH जुड़ा हुआ है, ऐसे ही इस बीटा चेन का ये COOH जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये COOH, यहाँ पर ये COOH, इस साइड में Fe2+ जुड़ा हुआ है, और साथ में क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पे NH2 भी जुड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है आपका Fe2+, यहाँ पे आपका जुड़ा हुआ है NH2, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है Fe2+ NH2, यहाँ क्या जुड़ा हुआ है आपका Fe2+
और NH2। अब ऑक्सीजन जो है ये आप हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाकर दिखाने की कोशिश की है। अब इस हीमोग्लोबिन पे ऑक्सीजन कहां पे जुड़ती है, इस हीमोग्लोबिन पे ऑक्सीजन कहां पे जुड़ेगी वो देखो, इस हीमोग्लोबिन पे जो ऑक्सीजन है वो जुड़ेगी यहां पे, कहां पे, यहां पे, यहां पे, कहां पे, यहां पे, अभी दिखाता हूं। ऑक्सीजन जो है वो आपकी Fe2+ के साथ में आके जुड़ती है, ठीक है, Fe2+ के साथ में आके क्या जुड़ेगी, ऑक्सीजन जुड़ेगी, ये हमेशा ध्यान में रखना। ऑक्सीजन कहां जुड़ेगी, Fe2+ के साथ में। अब आपको भाई ऑक्सीजन थोड़ा ना जुड़ती है हीमोग्लोबिन के साथ में, अगर ऑक्सीजन जुड़ेगी हीमोग्लोबिन के साथ में तो क्या बनाएगी, ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाएगी। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ रही है तो क्या बनती है, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां जुड़ती है हीमोग्लोबिन पे, वो जुड़ती है आपकी NH2 पे जुड़ेगी, कहां पे, NH2 पे। तो इन दोनों में से एक ही जुड़ेगा, ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन भी जुड़ गई हीमोग्लोबिन पे और CO2 भी जुड़ गई, ना, एक हीमोग्लोबिन पे या तो ऑक्सीजन जुड़ेगी या फिर CO2 जुड़ेगा। तो यहां पर इन दोनों में या लिख देता हूं मैं, ठीक है, या तो आपकी ऑक्सीजन जुड़ेगी Fe2+ पे और आपका क्या बने, या फिर आपकी CO2 जुड़ेगी NH2 पे, ना। अब आपको समझ में आ गया होगा इसको क्या कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन क्यों कहा था, ऑक्सीजन सॉरी CO2 और हीमोग्लोबिन जब आपस में जुड़ते हैं तो उसको कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन क्यों कहते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कहां जुड़ रहा है, अमाइनो ग्रुप पे जुड़ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, ठीक है, समझ में आई आपको। ऑक्सीजन आपकी Fe पे जुड़ती है, ठीक है, और आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो NH2 पे जुड़ता है, समझ में आई बातें। अब चलो आगे चलते हैं, स्वस्थ मनुष्य में ये कुछ बातें लिख रखी हैं, ध्यान से सुनना। एक स्वस्थ मनुष्य है, उसके अंदर 100 ml ब्लड है, ठीक है, उसके 100 ml ब्लड के अंदर कितना ग्राम आपका क्या होगा हीमोग्लोबिन, कितना ग्राम होगा बताओ भाई। एक कोई स्वस्थ मनुष्य है, बढ़िया मनुष्य है, स्वस्थ है, बिल्कुल कोई बीमारी नहीं है, तो उसके हीमोग्लोबिन सॉरी उसके 100 ml ब्लड के अंदर कितना हीमोग्लोबिन पाया जाएगा बताओ। उसके अंदर होता है 12 से 16 ग्राम होता है, एक जो स्वस्थ मनुष्य है उसके अंदर 12 से 16 ग्राम आपको क्या होता है आपका हीमोग्लोबिन पाया जाता है 100 ml ब्लड के अंदर, स्वस्थ मनुष्य की बात कर रहा हूं। इसका ऑन एन एवरेज बात करें तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर पाया जाता है, ठीक है, वैसे 12 से 16 ग्राम लेकिन एवरेज बात करें तो 15 ग्राम मानते हैं। अब वो अलग हो सकता है भाई, अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में हीमोग्लोबिन थोड़ा कम पाया जाता है क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है उनके अंदर, लेकिन अपन को मेंस्ट्रुअल साइकिल का केस अपन को यहाँ नहीं करना है, तो अपन एक स्वस्थ मनुष्य मान के चलेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर कितना है 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक बात हो गई, ये प्रति 100 ml ब्लड की बात हो रही है, कितना 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है। 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन है ना वो कितनी ऑक्सीजन लेके जा सकता है, वो 1.34 ml ऑक्सीजन लेके जा सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि 100 ml जो ब्लड है उसके अंदर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, बिल्कुल भैया 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, और मैं ये कह रहा हूं 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन है ना वो 1.34 ml ऑक्सीजन लेके जा सकता है, ठीक है, तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कितनी लेके जाएगा भाई, 1 ग्राम जब 1.34 ml ऑक्सीजन लेके जा रहा है तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कितनी लेके जाएगा, 1.34 को 15 से गुणा कर दो तो 1.34 को जब 15 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20 ml ऑक्सीजन लेके जाएगा। तो 15 ग्राम जो हीमोग्लोबिन है वो कितनी ऑक्सीजन लेके जाएगा, 20 ml ऑक्सीजन लेके जाएगा। तो यहां से क्या पता लग रहा है अपन को कि 100 ml जो ऑक्सीकृत जो रक्त है ना, 100 ml ऑक्सीकृत जो रक्त है वो कितनी ऑक्सीजन लेके जाएगा, 20 ml ऑक्सीजन लेके जाता है। समझ में आई या नहीं आई ये बात भाई, मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुन, 100 ml ब्लड जो है उसके अंदर 15 ग्राम क्या होता है आपका हीमोग्लोबिन होता है, ठीक भैया, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml O2 जो है वो लेके जा सकता है, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है वो 1.34 × 15 कर दो तो 20 ml O2 लेके जा सकता है, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन 20 ml O2 जब लेके जा सकता है तो 100 ml ब्लड के अंदर 100 ml जो ब्लड है उसके अंदर 20 ml O2 पे चली जाएगी, क्यों, क्योंकि 100 ml जो रक्त आपका होता है उसके अंदर कितनी है 15 ग्राम आपका हीमोग्लोबिन होता है, और 15 ग्राम हीमोग्लोबिन 20 ml O2 जब लेके जा सकता है तो ये जो 100 ml जो रक्त है वो कितनी लेके जाएगा, 20 ml ऑक्सीजन लेके जाएगा। एक बार मैं वापस रिपीट करूंगा उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, 100 ml O2 में 100 ml जो रक्त है उसके अंदर कितना हीमोग्लोबिन होता है, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है वो कितना
ऑक्सीजन लेके जा सकता है, 1.34 ml ऑक्सीजन लेके जा सकता है। 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कितनी लेके जाएगा, गुणा कर दो, कितनी आएगी 20 ml। जब 15 ग्राम 20 ml लेके जा सकता है तो 15 ग्राम ही तो होता है ना 100 ml के अंदर, 100 ml रक्त जो है वो कितनी लेके जाएगा, 20 ml ऑक्सीजन लेके जाएगा। 100 ml ऑक्सीकृत जो रक्त होता है वो 20 ml ऑक्सीजन लेके जाता है। ठीक बात है, ठीक है। अब चलेंगे अपन, समझेंगे इन सारी बातों को, ध्यान से समझना। यहां पे मैं कुछ कंडीशंस आपको बताऊंगा, उन कंडीशंस को ध्यान से समझना भाई। यहां आ जाएगा क्या, यहां बनाता हूं, चलो मैं पहले मैं बात करूंगा किसकी, अगर आप बिल्कुल रेस्टिंग कंडीशन में हो, सामान्य अवस्था के अंदर आप हो, ठीक है, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, नॉर्मल अपना जीवन जी रहे हो, नॉर्मल कंडीशन में अगर आप हो, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में जब आप हो, कौन सी कंडीशन में, रेस्टिंग कंडीशन में आप हो, एक मिनट, अगर आप रेस्टिंग कंडीशन में हो, रेस्टिंग कंडीशन, ठीक है, तो कैसे क्या आपका जो है ऑक्सीजन को कहां से अपन को क्या लेके जाना है, फेफड़ों से उत्तक के पास में अपन को लेके जाना, टिश्यूज के पास में अपन को लेके जाना है, ठीक है। ध्यान से देखना भाई, यहां मैं बना देता हूं क्या, ये क्या है आपका उत्तक, एक मिनट उत्तक बनाता हूं, ये है जी, ओहो इस कलर से बनाते हैं, चलो ये क्या है उत्तक, थोड़ा सा और इसको इधर बना लेते हैं, जगह चाहिएगी इसलिए, ये क्या है जी, टिश्यू है, ये टिश्यू, ठीक है, यहां क्या है आपके लंग्स, लंग्स, ठीक है, यहां पर है जी एक ब्लड वेसल, ठीक है, एक मैं आपकी रक्तवाही का यहां बना देता हूं, ठीक है, अलग अलग कलर की क्यों बनाई है, अभी आपको समझ में आएगा, है ना, ठीक है। इस रक्तवाहिका में कैसा रक्त है, इस रक्तवाहिका में कैसा रक्त है, इसमें है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैसा है ऑक्सीजनेटेड, हिंदी में भी लिख देता हूं भाई मैं इसको, ऑक्सी, ऑक्सीकृत रक्त लिख दो चाहे ऑक्सीजनित रक्त लिख दो, एक ही चीज होती है ना, तो आपको एनसीईआरटी में ऑक्सीजनित भी लिखा हुआ दिखाई मिलेगा और ऑक्सीकृत लिखा हुआ भी दिखाई देगा आपको, है ना, तो ऑक्सीजनित रक्त, ठीक है, ऑक्सीजनित रक्त मतलब इसमें क्या है आपकी ऑक्सीजन जो है, इस रक्त में ऑक्सीजन है आपकी है। मैंने आपको बताया कि 100 ml ऑक्सीकृत जो रक्त होता है उसके अंदर कितनी कितनी ml ऑक्सीजन होती है, 20 ml ऑक्सीजन होती है, अभी आपको बताया ना, ये देखो अभी आपको बताया कि 100 ml ऑक्सीकृत रक्त के अंदर कितनी होती है, 20 ml ऑक्सीजन होती है। चलो जी, कितनी ऑक्सीजन, कितना है यहां पे, यहां पे कितना है, 20 ml O2 है, 20 ml ऑक्सीजन प्रति 100 ml ब्लड, ठीक है। अब ये जो ब्लड है वो कहां जाएगा, ये ब्लड जाएगा इस टिश्यू के पास में, ये ब्लड कहां जाएगा, इस टिश्यू के पास में जाएगा, थोड़ा सा इसको ऐसे बनाते हैं, ये इस टिश्यू के पास में जाने वाला है, ठीक है जी। यहां पे भी मैं ब्लड वेसल दिखा देता हूं आपको, ये ब्लड वेसल है, यहां पे क्या आ गया आपका 20 ml क्या आ गई आपकी ऑक्सीजन आ गई, ठीक है, क्योंकि 20 ml कहां से आई है, ये यहां से आई है जी, ये क्या था आपका ऑक्सीकृत रक्त था, इसमें कितनी होती है 20 ml ऑक्सीजन थी, वो 20 ml ऑक्सीजन इस रक्त में यहां पर आ गई, कहां पर आ गई, टिश्यूज के पास में। और आपको पता है टिश्यू के पास में क्या होता है, टिश्यू में क्या काम चलता है, जो ग्लूकोज है C6H12O6 क्या होता है, ये ग्लूकोज होता है, इसको तोड़ना होता है किसमें,
किसमें, CO2 प्लस ATP। यहां पे ATP को एक बार भूल जाओ, ATP क्या एनर्जी होती है ना, यहां पर ऑक्सीजन इसको जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है जी, बिल्कुल पड़ती है भाई। जब इस ग्लूकोज को तोड़ते हैं ना, तो ग्लूकोज को तोड़ने में किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ये ऑक्सीजन कहां से आएगी, ये ऑक्सीजन अब यहां से आएगी। तो जैसे ही ये ब्लड यहां पे पहुंचता है इस टिश्यू के पास में, टिश्यू इस ब्लड को कहता है, देख भाई मेरे को ऑक्सीजन की जरूरत है और तेरे पास में ऑक्सीजन है ज्यादा, ठीक है, तेरे पास में ऑक्सीजन है, तू मुझे ऑक्सीजन दे दे, ठीक है। करेक्ट कहता है, ठीक है भाई मेरे पास में ऑक्सीजन है, तू ले ले। यहां पे क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है यहां जाएगी, कितनी ऑक्सीजन जाएगी, कितनी ऑक्सीजन जाएगी, 5 ml ऑक्सीजन जाएगी प्रति 100। इसको थोड़ा सा बड़ा देखता हूं, 5 ml O2 प्रति 100 ml ब्लड। 100 ml ब्लड में कितनी ऑक्सीजन आई थी, 20 ml ऑक्सीजन आई थी, लेकिन टिश्यूज के पास में कितनी गई, 5 ml ही जाती है। ये अपने दिमाग में बैठा लेना भाई। एक देखो, ऑक्सीजनित जो रक्त होता है, ऑक्सीकृत जो रक्त होता है, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, उसके अंदर 20 ml ऑक्सीजन होती है। 100 ml ऑक्सीजनित रक्त के अंदर 20 ml ऑक्सीजन होती है, और वो फेफड़ों से कहां जाती है, टिश्यूज के पास में जब जाती है, तो टिश्यूज को कितना देती है, सिर्फ 5 ml ऑक्सीजन ही देती है। तो 100 ml ऑक्सीजनित रक्त कितनी ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज को देता है, भाई 5 ml ही देता है। उसके पास में होती कितनी है, 20 ml होती है, लेकिन टिश्यूज को कितनी देता है, सिर्फ 5 ml देता है, ठीक है। अब जो है इसने जैसे ही ऑक्सीजन इसको दी, रक्त ने जैसे ही टिश्यू को ऑक्सीजन दी, तो रक्त कहता है, देख भाई मैंने तेरे को क्या दे दी, ऑक्सीजन दे दी, लेकिन अब तू भी तो मुझे कुछ दे। तो टिश्यू कहता है, ठीक है मेरे पास में CO2 है, CO2 तू ले ले, ठीक है। तो इसने कहा, ठीक बात है भाई। तो ये जो CO2 है ये जाती है रक्त के अंदर, कितनी CO2 जाती है, 4 ml, 4 ml CO2 जाती है, कितने ब्लड में, 100 ml ब्लड में, ठीक है। प्रति 100 ml ब्लड में कितनी CO2 जो जाएगी, 4 ml CO2 जाती है। अब ये ब्लड जो है, अब ये ब्लड जो है कहां जाएगा, इसमें जाएगा, यस कलर थोड़ा सा, ये ब्लड जाएगा इसमें, ठीक है। और ये ब्लड कैसा है, ये ब्लड है वियोक्सीकृत, डीऑक्सीजनेटेड, लिख देता हूं पहले इंग्लिश में लिख देता हूं, डीऑक्सी ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हिंदी में बात करूं तो वियोक्सीजनित रक्त, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें क्या समान है, इसमें O2 कितनी है, इसमें ऑक्सीजन है भैया 15 ml आपकी ऑक्सीजन है, ठीक है, प्रति 100 ml ब्लड, ये वाली बात ध्यान में रखना, प्रति 100 ml ब्लड है ये, ठीक है। और CO2 कितनी है, CO2 है 4 ml, 4 ml क्या है आपकी CO2 है प्रति 100 ml ब्लड। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई भाई, 20 ml लाया था ये रक्त जो है, वो 20 ml O2 लेके आया था, 5 ml किसको दे दी, टिश्यू को दे दी, ठीक है। कितनी बच गई है, 15 ही तो बची ना, 20 में से 5 निकालेंगे कितनी बचती है भाई, 15 ही तो बचती है, तो 15 की 15 ml जो है इसमें आ गई, किसमें आ गई, वियोक्सीकृत रक्त में आ गई। और 4 ml जो CO2 वो यहां से यहां आई थी, ये 4 ml CO2 आपकी यहां से यहां आई रही है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर मैं एक बात आपको लिखता हूं, यहां पर एक बात लिखता हूं मैं, यहां पर कितने परसेंट, कितनी परसेंट जो है HbO2 का डिसोसिएशन हुआ है मुझे बताओ, वियोजन 25% HbO2 का, O2 का 25%, इसको थोड़ा सा लिख देते हैं, 25% HbO2 का वियोजन होता है। वियोजन क्या होता है पहले मैं आपको बता देता हूं, वियोजन किसको बोलते हैं, आपस में HbO2 आपस में अलग अलग होंगी, इस चीज को क्या बोलते हैं, वियोजन कहते हैं, ठीक है। HbO2 दोनों साथ में बंधन बन के आया था इनका ना, यहां पे क्या हुआ, HbO2 का बंधन बना था, ठीक बात है भैया, बंधन बना था।
और अब यहां पे टिश्यूज के पास में क्या है, ये आपस में HBO2 दोनों अलग अलग हो रहे हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, तो यहां पर क्या है, इसको क्या कहते हैं, वियोजन कहते हैं, अलग अलग होने को क्या कहते हैं, वियोजन कहते हैं। तो 20 ml O2 जब यहां पे आया था और यहां पे सिर्फ 5 ml O2 ही टिश्यू के पास में गया है, मतलब क्या है 20 में से सिर्फ 5 ml O2 ही टिश्यू के पास में गया, तो वियोजन कितने परसेंट का हुआ, 25% का ही हुआ। ठीक है, 20 ml में 5 ml कितना होता है, 25% ही होता है। ठीक बात है, 10 ml कितना हो गया, 50% हो गया। ठीक है, चलो ये अपन ने बात करी किसकी, रेस्टिंग कंडीशन में। तो रेस्टिंग कंडीशन में इस प्रकार से क्या होता है, आपका ट्रांसपोर्ट होता है किसका, ऑक्सीजन जो है वो इस प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह जाती है। और समझ में आई या नहीं आई, आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन, अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो भाई, अगर आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो, दौड़ भाग कर रहे हो, तब आपको क्या है, ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक बात समझो, आप बढ़िया सो रहे हो, बढ़िया बेड पर लेटे हो भाई, बढ़िया बैठे हो, आपको जरूरत पड़ती है ज्यादा कि मैं तेज तेज सांस लूं, ऐसे करते हो क्या, नहीं करते ना, भाग के देखो सांस फूल जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम पर आपको जो है ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ती है और CO2 भी ज्यादा बनता है उस टाइम पे, है ना, तो उस टाइम पे कंडीशन अलग होती है। ये मैंने आपको रेस्टिंग कंडीशन बता दी। अब अगर आप एक्टिव कंडीशन में हो, सक्रिय अवस्था के अंदर आप अगर हो और आप अगर कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, फिजिकल वर्क कर रहे हो, तब क्या कंडीशन बनती है वो अभी दिखाता हूं। सेम ऐसा ही प्रोसेस होगा लेकिन उसमें थोड़ा सा डेटा चेंज होगा, अभी वो करवाते हैं। चलो रेस्टिंग कंडीशन की बात कर ली, अब बात करेंगे एक्टिव कंडीशन की। एक्टिव कंडीशन वही टिश्यू बनाएंगे, ये जी टिश्यू लो, यहां पे बनाएंगे ब्लड वेसल, एक बनाएंगे यहां। ठीक है जी, अब क्या होगा यहां से, यहां ये कौन सा ब्लड है आपका, ऑक्सीकृत या फिर ऑक्सीजनित, जो आपको बोलना चाहो बोल लो भाई, ऑक्सीजनित रखते हैं। ठीक है, ऑक्सी ब्लड लिख देता हूँ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इंग्लिश में भी आपको लिख दो, बाकी कोई दिक्कत नहीं, याद करने में थोड़ा जल्दी रहेगा ना। चलो यहां से ब्लड जो है वो जाएगा, इसमें कितना है 20 ml ही है, इसमें तो कितना है 20 ml ऑक्सीजन होता है प्रति 100 ml ब्लड। ठीक है भाई, 20 ml ऑक्सीजन होता है। ठीक बात है, अब ये यहां आएगा ब्लड, कहाँ आएगा, यहां आएगा, ये लो जी यहां आया 20 ml आ गया, 20 ml O2 आ गया। ठीक है, ये क्या है आपका टिश्यू है, यहां तो वही प्रोसेस चल रही है C6H12 और 6, इसको तोड़ना है किसमें, CO2 बन रहा है यहाँ पे, यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन इस बार जो ऑक्सीजन की जरूरत क्या है, थोड़ी ज़्यादा है भाई, ऑक्सीजन की जरूरत क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि कंडीशन कैसी है, एक्टिव कंडीशन, एक्सरसाइज कर रहा है अगला बंदा, क्या कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की जरूरत भी ज़्यादा पड़ेगी अपन को, ऑक्सीजन की जरूरत भी ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा भी ज़्यादा। ठीक है, आप एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे हो तो यहाँ पर क्या होगा, इस बार जो है रक्त जैसे ही यहाँ पहुँचा तो टिश्यू कहता है भाई देख मेरे को ऑक्सीजन चाहिए लेकिन इस बार थोड़ी मेरे को ज़्यादा चाहिए, तो रक्त कहता है क्यों भाई, तो कहा कि यार देखो अभी एक्सरसाइज चल कर रहा है ये लड़का, तो मेरे को क्या है थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, तो ऑक्सीजन की जरूरत भी ज़्यादा पड़ रही है मेरे को, लेकिन तू घबरा मत, मैं तेरे को CO2 भी ज़्यादा दूंगा, बदले में तेरे को मैं जो CO2 है वो भी ज़्यादा दूंगा, तो मेरे को ऑक्सीजन ज़्यादा दे रहा है तो मैं तेरे को CO2 भी ज़्यादा दूंगा। बोला ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसने क्या है यहाँ पे इसको ऑक्सीजन दी, कितनी दी भैया 15 ml प्रति 100 ml ब्लड, ये बात ध्यान में रखना, प्रति 100 ml ब्लड, और ये CO2 देता है बदले में इसको कितनी 14 ml 14 ml CO2 देता है प्रति 100 ml ब्लड। ठीक है, तो पिछले वाले डेटा से बिल्कुल चेंज हो गया ना, पहले जो है वो रेस्टिंग कंडीशन थी, इसमें कितना 5 ml जा रहा था, यहां पे कितना है 15 ml है ना, तो जो 5 था उसका एक आगे डंडा खींच दो, यहां पे कितना था 4 था, यहां पे एक डंडा है बनने आगे खींचा तो कितना हो गया 14 हो गया। अरे समझ में आई या नहीं आई, आई। ठीक है, फिर ये ब्लड जो है वो कहां जाएगा, ये ब्लड जो है वो जाएगा भाई यहां आ जाएगा, और ये ब्लड कैसा है, ये ब्लड है वियोक्सीकृत रक्त, वियोक्सी जनित बोल दो, कृत बोल दो रक्त, इंग्लिश में भी लिख देते हैं इसको डीऑक्सी ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें क्या माल मसाला है, यहां पे क्या पहुंचा अपने पास में, ऑक्सीजन कितना है
5 ml क्या है, O2 पर 100 एम ब्लड पर 100 लिखना भूल गया, 100 ml ब्लड, और CO2 कितनी है, 14 ml पर 100 ml। इस बार देखो चेंज हो गया, कैसे चेंज हुआ, देखो 20 में से 15 ml यहां ऑक्सीजन चली गई, तो यहां पर कितनी बची, 5 ही तो बची ना यार, अरे 15 यहां चली गई तो 5 ही तो बची, 20 में से 15 निकालो कितने बचेंगे, 5 ही तो बचेंगे, तो 5 ml यहां आ गई, इसमें आ गई 14 ml जो है ब्लड CO2 यहां से आई, तो वो CO2 14 ml यहां पे आ जाती है, ठीक है। यहां पर कितना वियोजन हुआ, कितने परसेंट HBO2 का वियोजन हुआ है यहां पे, यहां पे हुआ 75% HBO2 का वियोजन होता है, वियोजन होता है। तो ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है, ये मैंने आपको रेस्टिंग कंडीशन का भी पूरा खेल बता दिया और आपको एक्टिव कंडीशन का भी पूरा खेल बता दिया। होता क्या है, सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है, 100 ml जो ब्लड है वो यहां से चला, और उस 100 ml ब्लड के अंदर कितनी ऑक्सीजन थी, 20 ml ऑक्सीजन थी, वो 100 ml ब्लड यहां से चला और यहां जैसे ही टिश्यू के पास में पहुंचा तो ये 20 ml ऑक्सीजन देखकर इसको लालच आ गया, क्योंकि इसको जरूरत थी, तो इसने टिश्यू ने रक्त से बात की, भाई मेरे को दे दे तू ऑक्सीजन, दे दे मैं तेरे को CO2 दे दूंगा। इसने यहां पर 5 ml ऑक्सीजन इसको दे दी, बदले में इसने CO2 4 ml इसको दे दी, और कोई दिक्कत है या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर ये जो ब्लड है जैसे ये CO2 इसके अंदर आई तो ये ऑक्सीकृत जो रक्त था वो कैसा बन गया, विऑक्सीकृत रक्त बदन बदल गया, ठीक है। ऑक्सीकृत रक्त आया था इसमें सिर्फ ऑक्सीजन थी, जैसे इसमें CO2 शामिल हुई तो ये क्या हो गया, विऑक्सीकृत रक्त बन गया। तो ये विऑक्सीकृत रक्त यहां आता है तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन कितनी होती है, 15 ml, क्योंकि 20 में से 5 तो इसने इसको दे दी थी, कितनी बच गई थी, 15 ml, 15 ml ऑक्सीजन होती है और 4 ml आपकी CO2 होती है। ये बात होती है रेस्टिंग कंडीशन की। लेकिन जब आप एक्टिव कंडीशन में हो तो ऑक्सीजन की जरूरत भी ज्यादा पड़ती है टिश्यूज को, और CO2 जो है वो बनती भी ज्यादा है। तो यहां पर जो है 20 ml, जो 100 ml जो ब्लड था वो चला, उसके पास में तो 20 ml ही ऑक्सीजन है, लेकिन यहां पर इसने 15 ml दे दी इस बार ऑक्सीजन, बदले में जो है इसने CO2 दे दी कितनी, 14 ml दे दी, ठीक है। तो ये कैसा बन गया, विऑक्सीकृत रक्त बन गया। ऑक्सीजन कितनी है, 5 ml, CO2 कितनी है, 14 ml। समझ में आई या नहीं आई, ये 100 ml की बात हो रही है। लेकिन जब आपको क्वेश्चन पूछता है वहां पर क्या लिखना है आपको, वहां पर आप कौन सा ऑप्शन टिक मारोगे, रेस्टिंग वाला कि एक्टिव वाला। वहां पर अगर आपको, जब तक आपको ये ना बोले कि भैया ये सक्रिय अवस्था के अंदर या फिर कोई एक्सरसाइज कर रहा है, जो लड़का जिसका भी आपको पूछे क्वेश्चन में, आपको बोल दे कि अगर ये एक्सरसाइज कर रहा है तो इसके अंदर क्या होगा, तब आपको ये एक्टिव कंडीशन वाला जो है डेटा है वो आपको टिक मारना है, वरना कौन सा टिक मारोगे, रेस्टिंग कंडीशन वाला। अगर आपको कोई भी अवस्था नहीं दे रखी कि भाई एक्टिव है कि रेस्ट में है तो आप रेस्ट वाला बताओगे, एक्टिव वाला नहीं बताओगे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में बोल देंगे एक्टिव वाला बताओ, तब आपको एक्टिव वाला बताना है। ये बात अपने दिमाग में बैठा लेना, ठीक बात है। चलो ओके, चलो अब बात करते हैं इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र की, है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, है ना। वियोजन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वियोजन को कहते हैं डिसोसिएशन। वियोजन का मतलब है एक दूसरे से टूटना, एसोसिएशन मतलब जुड़ना, और डिसोसिएशन मतलब अलग होना। तो जुड़ना एसोसिएशन, वियोजन डिसोसिएशन, ठीक है। तो एक दूसरे से अलग होना, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो वो कब टूटेंगी, एक दूसरे से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन कब अलग अलग होंगे, ठीक है। उसके लिए ये क्या दे रखा है, एक आपको ग्राफ दे रखा है, वक्र मतलब कर्व बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कर्व, है ना, हिंदी में वक्र, है ना। इसको क्या कहते हैं, बोर्स इफेक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये कैसा आता है आपका, सिग्मोइड करवाता है, कैसा करवाता है, सिग्मोइड करवाता है, थोड़ा सा पानी पी लो यार, ठीक है, सिग्मोइड कर्व ये आता है। कैसा करवाएगा, सिग्मोइड करवाएगा। और ये कर्व, इसको हिंदी में क्या कहते हैं वो भी बता देता हूं आपको, यहां मैं लिखता जाता हूं, कैसा कर्व है, सिग्मोइड कर्व, सिग्मोइड कर्व हिंदी में कहते हैं इसको, सिग्माब, सिग्माब वक्र, ठीक है। ये आपका एस शेप का है, देखो एस शेप का है ना, ये देखो एस शेप, ऐसा मान लो ना। चलो
अब इस ग्राफ, ये ग्राफ क्या बताता है, इधर क्या लिख रखा है, ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन के संतृप्त की प्रतिशत, ठीक है, इधर क्या है ऑक्सीजन वियोजन वक्र, ठीक बात है। अब यहां पर मतलब क्या हुआ, मतलब यार ये होता है कि एक जो हीमोग्लोबिन है, ये एक हीमोग्लोबिन है, ये एक हीमोग्लोबिन है, ठीक है। आपने क्या किया, आपने क्या किया, एक मिनट, आपने क्या किया, आपने ऑक्सीजन का जो है प्रेशर बढ़ाया, ठीक है, बढ़ाया तो एक ऑक्सीजन जो है वो आके यहां पर जुड़ गई, ठीक है, हीमोग्लोबिन पे। आपने थोड़ा सा और बढ़ाया, क्या बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाया ऑक्सीजन का, आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर, तो ऑक्सीजन यहां पे आके जुड़ गई। आपने थोड़ा और बढ़ाया तो यहां पे आके जुड़ गई, आपने थोड़ा और बढ़ा दिया तो यहां पे आके जुड़ गई, ठीक है। अब आप और कितना भी बढ़ा लो, इसके आगे जो है वो नहीं जुड़ पाएगी भाई, इसके आगे नहीं जुड़ पाएगी, समझ में आई या नहीं आई भाई। चार, एक हीमोग्लोबिन पे चार ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो है वो ही जुड़ सकते हैं, इसके इससे ज्यादा नहीं जुड़ सकते, आप कितना ही बढ़ा लो, ठीक है। तो ये जो लास्ट है ना, इसमें क्या है 100% जो है वो क्या होगा, संतृप्त हो गया, यहां पे क्या होगा, सेचुरेट हो गई हीमोग्लोबिन, ठीक बात है। अरे समझ में आ रही है नहीं आ रही बात, मैं ये कह रहा हूं आप थोड़ा सा स्टार्टिंग में पार्शियल प्रेशर बढ़ाते जाओगे तो ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ती जाएगी, जुड़ती जाएगी, जुड़ती जाएगी, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जो है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जो है वो 100% जो है वो जुड़ जाएंगी, सेचुरेट हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगा मामला, उसके बाद में जो है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आपस में जुड़ नहीं पाएंगी, ठीक बात है। अब ये होता है आपका सिग्मोइड कर्व। अब इसमें जो है मेन जो आप उन काम की चीज है वो क्या है, एक तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि सिग्मोइड कर्व होता है, दूसरी चीज इसमें होता है, एक होता है राइट शिफ्ट और एक होता है लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है, वो समझो आप। राइट शिफ्ट क्या होता है दिखाता हूं अभी, ये जो आपका सिग्मोइड कर्व है, अगर ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाए, अगर ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाए, एक मिनट, ये अगर ऐसे राइट साइड में शिफ्ट हो जाए, या फिर अगर ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाए, ये अगर लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाए, देखो ये है इस साइड में आ रहा है, राइट साइड में आ रहा है और ये जा रहा है लेफ्ट साइड में, ठीक है। राइट साइड में और लेफ्ट साइड का मतलब क्या है वो ध्यान से समझना आप, है ना, यही अपने काम का यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ये जो राइट साइड है ये क्या है, राइट शिफ्ट आ रहा है, इसको क्या कहते हैं, राइट शिफ्ट कहते हैं, राइट शिफ्ट, और ये जो है इसको क्या कहते हैं, लेफ्ट शिफ्ट कहते हैं, लेफ्ट शिफ्ट कहते हैं, ठीक। अब जो राइट शिफ्ट है वो किस चीज को दिखाता है, वो दिखाता है राइट शिफ्ट जो है वो दिखाता है किस चीज को, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के वियोजन को दिखाता है, ठीक है। राइट शिफ्ट जो है वो किस चीज को दिखाता है कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जो है आपस में क्या करेंगी, टूटेंगी, ठीक है। और जो लेफ्ट शिफ्ट है वो क्या दिखा रहा है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का बंधन दिखाता है, क्या दिखाता है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का HbO2 लिख देता हूं, HbO2 का बंधन, ठीक है। यहां तक समझ में आई, मैं ये कह रहा हूं कि जो लेफ्ट शिफ्ट है वो ये दिखाता है कि HbO2 का बंधन हो रहा है, और जो राइट शिफ्ट है वो किस चीज को दिखाता है कि HbO2 का क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है, दोनों HbO2 क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज पूछूं, पूछ लो क्या, मैं ये पूछ रहा हूं कि आपकी ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जो है वो टूटते कहां पे हैं, मुझे ये बताओ ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का बंधन कहां पे होता है, और ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जो है वो आपस में टूटते कहां पे हैं। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं, आपका आंसर आना चाहिए, कहां पढ़ गए हैं, मैं ये कह रहा हूं कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन कहां पे जुड़े थे, भैया फेफड़ों के पास में जुड़ते हैं, अरे बिल्कुल जुड़ते हैं, नहीं जुड़ते, जुड़ते हैं, और टूटते कहां पे हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, उत्तक के पास में, टिश्यू के पास में टूटते हैं, अरे पता या नहीं पता ये बात, ये तो बात तो नॉर्मल हो गई ना अब तो, ठीक है। तो ये बात जो है HbO और O2 का बंधन कहां पे होता है, जुड़ते कहां पे हैं ये जुड़ते हैं आपके फेफड़ों के पास में, और ये टूटते कहां पे हैं, ये टूटते हैं, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन टूटेंगे तभी तो वो ऑक्सीजन कहां पे जाएगी, टिश्यू के पास में जाएगी, ठीक है। तो यहां पे टूटते हैं, अभी बताया था मैंने आपको, देखो ये देखो यहां पे बताया था कि HbO2 का वियोजन होता है कहां पे, टिश्यूज के पास में, ठीक है।
तो ये जो काम है ये कहाँ होता है, ये होता है जी टिश्यूज के पास में। ये काम कहाँ होता है, टिश्यू के पास में। और ये वाला काम कहाँ होता है, लंग्स के पास में। ठीक बात है। अब आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, वो पॉइंट्स आपको अभी अगर आपने अटेंटिव होके लेक्चर्स देखे तो आपको पता भी है पहले से, ठीक है, कुछ भी नहीं है। मुझे एक बात बताओ, टिश्यूज के पास में ऑक्सीजन की कमी होती है कि ज्यादा होता है ऑक्सीजन? भैया ऑक्सीजन की कमी होती है। तो टिश्यूज के पास में क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, कम होता है, ठीक है। और आंशिक दाब, ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है टिश्यूज के पास में। CO2 टिश्यू के पास में ज्यादा होती है कम होती है? भैया ज्यादा होती है, भी कोई पूछने वाली बात है? टिश्यूज के पास में CO2 ज्यादा होती है, CO2 क्या होती है, ज्यादा होती है। उसके अलावा H+ आयन जो है, ठीक है, H+ आयन जो है वो टिश्यूज के पास में ज्यादा होते हैं। H+ जो है वो टिश्यू के पास में क्या होते हैं, H+ आयन लिख देता हूं यहां पे मैं, टिश्यू के पास में क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? अरे जब CO2 ज्यादा होगी ना तो आयन जो है वो अपने आप ज्यादा होंगे। क्यों होंगे, अभी थोड़ी देर पहले बताऊंगा। CO2 जब ज्यादा होती है तो वहां पे H+ आयन ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं, अभी आगे बताऊंगा भी, है ना। जब H+ आयन है मतलब क्या, कंडीशन कैसी है, एसिडिक कंडीशन है। भाई H+ का मतलब क्या है, एसिडिक कंडीशन। और H+ ज्यादा मतलब क्या है, एसिडिक ज्यादा है। तो पीएच कैसी होगी, कम होगी। पीएच कम होने का मतलब क्या है, एसिडिक है, ठीक है। तो H+ ज्यादा और पीएच कम होगी, कम होगी। चलो उसके अलावा यहां पे टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है टिश्यूज के पास में। क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो अधिक होता है, ठीक है। अब मैं आपकी बात करूं लंग्स के पास में आ जाऊं। लंग्स में भैया बताओ मुझे, ऑक्सीजन ज्यादा होती है कि CO2 ज्यादा होती है? भैया ऑक्सीजन ज्यादा होती है, भी कोई पूछने वाली बात है? तो ये क्या है, यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा है, PO2 जो है वो अधिक होगा। यहां पर PO2 क्या होगा, अधिक होगा। PCO2 क्या होगा, कम होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब कम होता है, ठीक है। H+ की H+ आयन क्या होगा, कम होगा। जब H+ आयन कम है मतलब एसिडिक कंडीशन कम है, मतलब बेसिक कंडीशन ज्यादा है, तो पीएच क्या होगी, ज्यादा होगी। पीएच क्या होगी, अधिक। और टेम्परेचर क्या होगा, वो भी कम होगा। समझ में आई या नहीं आई? तो ये कंडीशंस आपको समझ में आई या नहीं आई मुझे बताओ। राइट शिफ्ट का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जो आपस में टूटेंगे, वियोजन होगा। और ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को टूटने के लिए प्रेरित कौन कौन करता है? भाई अगर ऑक्सीजन की कमी होगी, जहां पे ऑक्सीजन की कमी होगी वहां पर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आपस में टूटने लग जाएंगे। जहां पर ऑक्सीजन अधिक होगा वहां पर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जुड़ने लग जाएंगे। ये बात समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल भैया आई। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, तो यहां पर देखो ऑक्सीजन की कमी है, बिल्कुल भैया कमी है, तो आपस में ये ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन टूटने लग गए। इसके अलावा दूसरा फैक्टर कौन सा हो सकता है कि अगर ऑक्सीजन की तो कमी है ही है और कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा है तो भी ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन टूटने लग जाएंगे। तो ये दूसरा कारक जो आपका फैक्टर होगा, कारक हो गया। तीसरा कारक क्या हो जाएगा, तीसरा आपका हो जाएगा अगर एसिडिक कंडीशन है तो वहां पर भी क्या, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आपस में टूटने लग जाएंगे। क्यों टूटते हैं, अभी बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। पीएच अगर कम है, पीएच कम है तो एसिडिक कंडीशन है ही, तो अपने आप टूट जाएंगे। टेम्परेचर अगर ज्यादा है ना, टेम्परेचर ज्यादा है तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आपस में टूटने लग जाएंगे। वही मैं यहां पर आता हूं, HBO2 का बंधन कब होता है, जब ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आपस में बंधने लग जाएंगे। और PCO2 जब कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होगी तो भी ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आपस में बंधने लग जाएंगे। H+ आयन कम होगा मतलब एसिडिक कंडीशन कम होगी तो भी ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आपस में बंधने लग जाएंगे। pH ज्यादा होगी तो भी ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आपस में बंधने लग जाएंगे। और टेम्परेचर कम हुआ तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आपस में बंधने लग जाएंगे। तो ये कारक मैंने आपको बताया, इसको कहते हैं राइट शिफ्ट, इसको कहते हैं लेफ्ट शिफ्ट। ध्यान में रखना है इस बात को। लेफ्ट शिफ्ट जो है, इसके बारे में एक एडिशनल पॉइंट और बता देता हूं मैं आपको, एनसीईआरटी में तो नहीं है लेकिन ध्यान में रखना भाई। इस जो लेफ्ट शिफ्ट जो है इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं हाल्डेन इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, हाल्डेन इफेक्ट कहते हैं इसको। और जो राइट शिफ्ट है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बोर इफेक्ट, बोर्स इफेक्ट। ठीक बात है। तो ये वाले पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो ये कर्व जो है इसमें आपको मेन बात क्या है, राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट याद ध्यान में रखना है, कहां पे टूटेगा, किन किन कारणों से टूटेगा, ये सारे कारण मैंने आपको बता दी। ये वाले पॉइंट आपको याद रखने, क्वेश्चन आता है इन पे बहुत बार आया हुआ है, तो भाई ध्यान से सुन लेना इनको। ये वाले पॉइंट आपको पता होने चाहिए कि इन 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 ये जो कारक है इनकी वजह से जो है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जो है वो टूटते हैं आपस में, और ये जो कारक है इनकी वजह से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जो आपस में बंधते हैं। ठीक बात है,
आगे चलते हैं। ये यहां पर खत्म होता है आपका ऑक्सीजन का जो परिवहन है, वो अपन ने बढ़िया से पढ़ लिया कि ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है। अब बात करेंगे अपन CO2 का परिवहन कैसे होता है। तो CO2 का परिवहन ध्यान से देखो भाई, ठीक है आज खत्म करेंगे ना, टाइम होने दो कितना भी, आज पूरा करेंगे इसको ना, परिवहन तो पूरा करेंगे ही करेंगे। CO2 का परिवहन देखो, CO2 का परिवहन क्या है, 23% जो CO2 है वो कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन से जाती है, ठीक है। मतलब कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन का मतलब 23% जो CO2 है वो हीमोग्लोबिन पे बैठ के जाती है, ठीक है, HbCO2 बनके। 70% जो CO2 है वो बाइकार्बोनेट के रूप में जाती है, HbCO O3 नेगेटिव के रूप में, ठीक है। ये मैंने आपको बताया भी था ना, ये HCO3 नेगेटिव आएगा भाई, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे HCO3, तभी मैंने सोचा ये HB कहां से आ गया, HCO3 नेगेटिव के रूप में जाएगा ना। 7% जो है वो प्लाज्मा में घुले अवस्था में जाएगी, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अब चलते हैं अपन, कुछ डायग्राम बनाएंगे बस और फिर खत्म करेंगे ना, तो समझो ध्यान से। सबसे पहले अपन चलेंगे कहां पे, टिश्यू के पास में चलेंगे, क्योंकि टिश्यू जो है वो कहां से आएगी, जो आपकी जो CO2 जो है, देखो ऑक्सीजन जो वो कहां से चली थी, फेफड़ों से चली थी और टिश्यूज के पास में गई थी, और CO2 कहां बनती है, वो बनती है आपकी ऊतकों के पास में बनती है। तो CO2 का परिवहन वो कहां से करवाना अपन को, ऊतकों से लेके आएंगे और फेफड़ों तक लेके आएंगे उसको ना, ऊतकों से फेफड़ों तक लेके आएंगे उसको, ठीक बात है। तो पहले बात करते हैं अपन टिश्यू पे, टिश्यू पे क्या खेल होगा, टिश्यू बना देता हूं मैं सबसे पहले, तो ये है जी टिश्यू, उसको थोड़ा सा छोटा बनाए क्या, चलो पेज ले लेते हैं, ये टिश्यू हो गया। फिर मैं बना देता हूं आपकी क्या, आरबीसी, ये आपकी आरबीसी थोड़ी ज्यादा बड़ी बन गई, थोड़ी छोटी करनी पड़ेगी इसको, ठीक है। टिश्यू में क्या चलता है आपको पता ही है, टिश्यू में भाई वही है आपका C6H12O6 ग्लूकोज है, इसको तोड़ रहा है किसमें, CO2 में, ठीक है। अब ये CO2 जो है उसका जो 7% है, 7% जो CO2 है ना वो तो प्लाज्मा में चली जाएगी, वो तो 7% जो CO2 है वो तो प्लाज्मा में चली जाएगी घुले अवस्था में, घुले अवस्था में, ठीक है। अब प्लाज्मा में जैसे ब्लड तो फ्लो करेगा ही, तो ब्लड में जो है घुल के और 7% CO2 तो घुल के चली जाएगी, बाकी बच गई कितनी, 93% बच गई, वो कैसे जाएगी उसके बारे में अभी बात करते हैं। तो यहां पर देखो भाई ध्यान से समझना, HbO2 ध्यान से देखना सारी चीजों को, HbCO2 CO2 प्लस H2O H2CO3 उसके अलावा आप क्या होगा H2CO3 H प्लस प्लस HCO3 नेगेटिव, उसके बाद में आपका HbO2, एक बार मैं लिख लूँ उसके बाद में आपको समझाता हूँ सारी चीज़ें, HbO2 HbB, ठीक है। अब समझो इसको ध्यान से, यहाँ क्या होगा, देखो मैं आपको एक बात बताऊँ क्या, कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जो है जब वो आपस में बंध जाते हैं ना, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जो है आपस में बंध जाते हैं ना, तो वो आपस में छोड़ना नहीं चाहते एक दूसरे को, छोड़ना चाहते नहीं है वो एक दूसरे को, ये बात समझ में आई या नहीं आई। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन एक बार आपस में बंध गए तो आपस में वो छोड़ना नहीं चाहते एक दूसरे को। तो ऐसा समझो कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जो वो एक कपल है, ठीक है, लड़का लड़की है, आपस में करते हैं प्यार, कौन, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन। टिश्यू जो है ना, उत्तक जो है वो इन दोनों को देख रहा है, किस किस को देख रहा है, ऑक्सीजन को भी देख रहा है, हीमोग्लोबिन को देख रहा है। टिश्यू को क्या है, ऑक्सीजन पसंद है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन किससे प्यार करती है, हीमोग्लोबिन से प्यार करती है,
और लेकिन टिश्यू को पसंद कौन है? ऑक्सीजन पसंद है। तो टिश्यू यह चाहता है कि मैं जो है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का क्या करवा दूं, ब्रेकअप करवा दूं। टिश्यू के दिमाग में एक चीज है, उसको यह लगता है कि अगर मैं ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का ब्रेकअप करवा दूं तो ऑक्सीजन मेरी हो जाएगी। ये ऐसा टिश्यू को लगता है और आगे आगे पता चलेगा कि उसको सही लगता है वो, ठीक है। तो वो क्या खेल करता है, टिश्यू क्या खेल करता है, वो कहता है किसको, CO2 को कहता है, CO2 को बोलता है कि तू जा और हीमोग्लोबिन को जो है तू CO ऑक्सीजन से दूर कर दे। टिश्यू क्या कहता है, किसको कहता है, CO2 को भेजता है कि तू हीमोग्लोबिन के पास में जा और तू उसको ऑक्सीजन से दूर कर दे। जब तू हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से दूर कर देगी तो ऑक्सीजन मेरी हो जाएगी और तू हीमोग्लोबिन के साथ में रह लेना। तो CO2 बोली ठीक बात है। तो CO2 जो है वो यहां से जाएगी, कहां से जाएगी, यहां से जो CO2 है वो यहां से जाएगी और यहां ये लो जी आ गई। टिश्यू की बात माननी इसने और आ गई, ये कितनी परसेंट है, 23% के आसपास CO2, ठीक है। जैसे ही ये CO2 यहां आई तो इसने क्या की, यहां पे दरार डाल दी भाई, किसके बीच में, हीमोग्लोबिन के कान और ऑक्सीजन के कान भर दिया, आपस में खिलाफ भर दिए, तो इनके बीच में क्या पड़ गई, दरार पड़ गई। और जैसे ही दरार पड़ी तो ये ऑक्सीजन जो है वो यहां से निकली, ऑक्सीजन यहां से निकल गई, ठीक है। और हीमोग्लोबिन जो है और CO2 जो है ये आपस में इन्होंने क्या बना लिया, अपना बंधन बना लिया, रिश्ता बना लिया, ब्रेकअप हो गया। अब ये जो ऑक्सीजन है ये कहां जाएगी, ये जाएगी कहां पे, टिश्यू के पास में चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि टिश्यू को तो जरूरत है ना, यहां पे टिश्यू को तो जरूरत है, किस लिए जरूरत है, इसको ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। तो ऑक्सीजन यहां से आ गई और CO2 यहां चली गई, HbCO2 बन जाता है, ये HbCO2 बनता है, इसको क्या कहते हैं अपन, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, क्या कहते हैं इसको, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, ठीक बात है। इतना काम तो हुआ, लेकिन टिश्यू कहता है यार मेरा तो एक ऑक्सीजन, इतनी सी ऑक्सीजन से काम नहीं भरेगा, इतनी सी ऑक्सीजन से मेरा पेट नहीं भरेगा, मुझे तो और ऑक्सीजन चाहिए। तो और ऑक्सीजन कैसे आएगी, तो वो भेजता है वापस CO2 को भेजता है, CO2 को कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे तो और ऑक्सीजन चाहिए, ठीक बात है। CO2 फिर आती है अंदर, किसके अंदर आती है, RBC के अंदर आती है, और RBC के अंदर H2O भी है, CO2 और H2O दोनों आपस में मिलते हैं, किसकी में, और CO2 और H2O दोनों आपस में मिलते हैं, और यहां पर एक एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम, कार्बोनिक अनहाइड्रेज, ध्यान में रखना इस एंजाइम का नाम, CA का मतलब क्या है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज, CO2 और H2O जो है कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम की मदद से दोनों आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं, कार्बोनेट बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में H2CO3 जो वो टूटता है किसमें, H+ और बाइकार्बोनेट में टूटता है, ठीक है। यहां से क्या हो गया, यहां पर भी क्या है, एंजाइम है CA कार्बोनिक अनहाइड्रेज, और यहां पर ये क्या बन गया आपका, बाइकार्बोनेट, और यहां पर ये H+ जो है, ऐसे बहुत सारे H+ यहां पर बनते जाएंगे, और बहुत सारे जब H+ बनेंगे तो कंडीशन कैसी हो जाएगी, एसिडिक कंडीशन हो जाएगी। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना कि टिश्यू के पास में क्या होती है, H+ क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, और कंडीशन कैसी होती है, एसिडिक। तो देख लो यहां पर H+ बन रहा है, समझ में आई या नहीं आई, बिल्कुल भैया आई। तो ये आपका बाइकार्बोनेट यहां पे बन जाता है, बिल्कुल बन गया बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब ये जो आपका H+ यहां पे बन रहा है ये क्या करेगा, ये करेगा एक खेला, क्या खेला करेगा, देखो इस मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ऑक्सीजन इतनी आ गई इसके पास में लेकिन इसका पेट नहीं भरा, तो इसको ये किसको भेजा, CO2 को भेजा कि भाई तू जा और कैसे ना कैसे करके और भी ऑक्सीजन मेरे पास में भेजे। तो ये जो CO2 यहां पे आती है H2 के साथ मिलती है, ठीक है, H2CO3 बनाती है, H2CO3 टूटता किसमें, H+ और HCO3 नेगेटिव में टूटता है, और ये जो H+ है ना ये क्या करेगा, इस HbO2 के बीच में क्या करेगा, दरार डालेगा, क्या करेगा, दरार डालेगा, इनका ब्रेकअप करवाएगा, ये H+ जाएगा और इस HB के साथ में अपना रिश्ता बना लेगा और ऑक्सीजन के साथ में करवा देगा, ब्रेकअप करवा देगा। तो क्या होगा, ये जो यहां से क्या होगा, ये वाला ये H+ यहां आएगा, ठीक है, और यहां से ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन जो है वो यहां से निकल जाएगी, ठीक है, और यहां पर ये क्या बन जाएगा, H H HB, यहां पे HB भी लिख दिया मैंने, HB HB आएगा, H HB, ठीक है। तो ये क्या है आपकी, इसको कहते हैं आप
हीमोग्लोबिनिक एसिड है ये। कौन सी एसिड है? हीमोग्लोबिनिक एसिड, एसिड बन जाती है, ठीक है। और ये ऑक्सीजन जो है यहां से निकलकर कहां जाएगी? टिश्यू के पास में जाएगी, टिश्यू को जरूरत है भाई ऑक्सीजन की, ये ऑक्सीजन यहां पे आ गई, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो HCO3 नेगेटिव है, ठीक है, ये क्या आपका बाइकार्बोनेट। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसके रूप में आती है? बाइकार्बोनेट के रूप में जो है वो परिवहन होता है उसका। अब ये HCO3 नेगेटिव क्या करेगा, यहां पे होती है, देखो ये अंदर, ये जो मैंने आपको गोल सी बनाई है ना, ये क्या आरबीसी है, इसकी जो मेम्ब्रेन है, इसकी जो झिल्ली है, उस पर क्या है? प्रोटीन लगी हुई है, प्रोटीन लगी हुई है, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, ये HCO3 नेगेटिव जो है वो यहां से इस प्रोटीन की वजह से यहां बाहर आ जाएगा, और बाहर क्या होता है? सोडियम है, इस सोडियम के साथ में ये जुड़ेगी HCO3 नेगेटिव और क्या बना लेगी? NaHCO3 नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव नहीं आएगा, हाँ बाइकार्बोनेट बना लेगी, सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेगी। ये अब जो है ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो अब प्लाज्मा में क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। ये प्लाज्मा में क्या हो जाएगा? घुल जाएगा, और प्लाज्मा में घुल के ये क्या है अब जो है फेफड़ों तक चला जाएगा। तो अपन ने क्या है 70% जो है बाइकार्बोनेट के रूप में अपन ने प्लाज्मा में घोल दिया, अब ये 70% जो है वो कहां चला जाएगा? फेफड़ों में चला जाएगा, रक्त में बहता हुआ। 7% अपन ने यहां पर भेज दिया, ठीक है, ये भी प्लाज्मा में घुल के चला गया। तो 70% जो है वो तो अपन ने भेज दिया प्लाज्मा की मदद से, बाकी जो बच गया कितना? 23% बच गया, है ना, 70% भेज दिया, 23% जो बच गया ना कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस कार्बन अमाइनो हीमोग्लोबिन के रूप में, हीमोग्लोबिन के ऊपर बैठ के हीमोग्लोबिन जो है वो लेके जाएगी। तो 100% जो है CO2 को अपन ने यहां से लोड तो कर दिया उसको, अब उसको कहां ट्रांसपोर्ट करना है? बस में बैठा दिया भाई सबको, सबको इनको बस में बैठा दिया। अब बस उनको कहां लेके जाएगी? उनको ले जाएगी फेफड़ों तक, है ना, टिश्यू से अपन ने बस में चढ़ा दिया सबको, बैठा दिया बस में, अब जो है वो कहां पे लेके जाएगी? फेफड़ों के पास में। तो फेफड़ों के पास में चलते हैं, फेफड़ों के पास में क्या खेला होता है वो देखो भाई। अब आ गए अपन कहां पे? लंग्स में, लंग्स के पास में आ गई, ठीक है। तो यहां पर मैं बना देता हूं क्या, कूपिका। अभी जो मैंने अपन ने यहां पर टिश्यू पे किया ना, जो काम अपन ने टिश्यू पे किया है, यहां पे टिश्यू पे जो काम किया है उसी का जस्ट उल्टा कहां पे होगा? लंग्स पे होगा। यहां पे मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा है, एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा ही है, लेकिन देख लो भाई। यहां पे जब HCO3 नेगेटिव जो वो बाहर आता है ना, जब इस मेम्ब्रेन से बाहर आता है, आरबीसी से बाहर आता है, तो एक नेगेटिव चार्ज बाहर आ रहा है, तो नेगेटिव चार्ज बाहर आ रहा है, तो अगर ये नेगेटिव चार्ज बाहर आ जाएगा तो जो विभव है, जो पोटेंशियल है, वो यहां पर गड़बड़ा जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। इसलिए क्या होता है यहां पर Cl जो है, एक नेगेटिव बाहर आ रहा है तो एक नेगेटिव अपन अंदर भेज देंगे, है ना, तो नेगेटिव पॉजिटिव जो वो मेंटेन रहेगा, या तो यहां से Cl नेगेटिव को अंदर भेज दिया जाता है। जैसे ही HCO3 नेगेटिव यहां से बाहर आता है, तो अगर एक नेगेटिव बाहर आता है तो एक नेगेटिव अंदर भेजेंगे, तो Cl नेगेटिव को अंदर भेज दिया जाता है, इसको कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। इस चीज को क्या कहते हैं? क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। तो ये ध्यान में रख लेना, बाकी है तो एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा पूछा नहीं जाएगा, क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। और इस क्लोराइड शिफ्ट को क्या, इस चीज को क्या कहते हैं? हैमबर्गर इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हैमबर्गर, हैमबर्गर फिनोमेना बोल दो, है ना, हैमबर्गर फिनोमेना। ये एक्स्ट्रा है भाई, है ना, ये एक्स्ट्रा है, पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी बता देता हूं। ठीक है, अब चलते हैं अपन लंग्स के पास में। जो यहां पे हुआ है, जो सारा काम हुआ है, उसका जस्ट उल्टा कहां पे होगा? लंग्स पे होगा। ठीक है, उसका जस्ट उल्टा होगा। चलो आ जाओ भाई, लंग्स पे आ जाओ। ये मैं यहां बना देता हूं आपके फेफड़े, एल्वियोलाई बना देता हूं, चलो एल्वियोलाई बना देते हैं ना। ये क्या है आपकी? एल्वियोलाई, ठीक बात है। और यहां पर बना देता हूं वही आरबीसी, वही आपकी आरबीसी, मैं आपको यहां बना देता हूं। चलो इसको थोड़ा सा अलग बनाते हैं, आरबीसी बना देता हूं यहां पे, है ना, बन गई आरबीसी। अब देखो जिस जो अपन ने काम ऊपर किया था टिश्यू के पास में, उसका जैसे उल्टा होगा। क्यों उल्टा होगा? अपन को क्या करना है यार, मेन काम क्या है वो फोकस बना मत तोड़ो। ऑक्सीजन का जैसे अपन ने किया था, ऑक्सीजन को अपन ने लंग्स से अपन कहां लेके गए थे? टिश्यू के पास में लेके गए थे। तो वही चीज यहां पे होगी, अपन टिश्यू से CO2 को कहां पे लेके आ रहे हैं? फेफड़ों के पास में लेके आ रहे हैं। CO2 को बाहर निकालना है ना अपन को, तो बस वही काम कर रहे हैं यहां पे। क्या होगा?
HBO2 जो रिएक्शन अपन ने ऊपर लिखी थी उसी का जैसे उल्टा हो जाएगा, उसी की उल्टी रिएक्शन यहां पे हो जाएंगी, HBCO2 CO2 प्लस H2O H2CO3 H प्लस प्लस HCO3 नेगेटिव HBO2 HHB। तो जो देखो अभी अपन ने किया था ना वहां पर ऊपर जो रिएक्शंस लिखी थी उन्हीं की जैसे उल्टा रिएक्शन यहां पे होगी, ठीक है। तो बस अभी देखना आप ध्यान से कि कैसे CO2 जो है वो फेफड़ों में चली जाएगी, ठीक बात है, ध्यान से देखना। अभी देखो टिश्यू के पास में क्या हुआ था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का जो आपस में जो बढ़िया रिश्ता था उसका ब्रेकअप करवाया था। अब क्या होगा, ऑक्सीजन जो है बदला लेगी, ऑक्सीजन यहां पर फेफड़ों के पास में ऑक्सीजन जो है उसका भाई यहां पर वर्चस्व है बढ़िया ना, तो ऑक्सीजन जो है यहां पर क्या करेगी, CO2 और हीमोग्लोबिन का जो यहां पर रिश्ता बना हुआ है उस रिश्ते को तोड़ेगी। कैसे तोड़ेगी, देखो फेफड़ों के पास में क्या भाई ऑक्सीजन की कमी नहीं है, यहां से ऑक्सीजन जो है वो आएगी, कहां पे आएगी, यहां पे आएगी। और जैसे ही ऑक्सीजन आएगी हीमोग्लोबिन का, हीमोग्लोबिन को अपना पुराना प्यार याद आ जाएगा, और याद आएगा तो क्या करेगा, हीमोग्लोबिन जो है CO2 को छोड़ देगा और HB के साथ में जुड़, किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा, HBO2 बना लेगा। ऑक्सीजन यहां से यहां आई और हीमोग्लोबिन को अपना पुराना प्यार याद आया तो क्या हुआ, HB जो है वो ऑक्सीजन के साथ में जुड़ गई और क्या हुआ, HBO2 बना लिया। अब ये जो CO2 ये रोती रहेगी, CO2 जो है वो यहां से निकलेगी, यहां से निकलेगी, ठीक है। अब इसके साथ में नहीं रहा भाई, हो गया ब्रेकअप, CO2 यहां से निकली और CO2 कहां जाएगी, बाहर निकल जाएगी यहां से, ठीक है। इतनी CO2 तो अपने बाहर निकाल दी, लेकिन अभी ऑक्सीजन का बदलाव पूरा नहीं हुआ है, अभी ऑक्सीजन का बदलाव क्या हुआ, पूरा नहीं हुआ, ठीक है। तो ऑक्सीजन का बदलाव पूरा नहीं हुआ तो अभी देखो ऑक्सीजन और क्या करेगी, ऑक्सीजन को यहां से भी तो निकाला था ना इन्होंने, ऑक्सीजन का यहां से भी तो ब्रेकअप करवाया था, देखो याद करो, देखो यहां से ब्रेकअप करवाया था ऑक्सीजन का और हीमोग्लोबिन का। तो ऑक्सीजन अब करेगी क्या, यहां से देखो ये ऑक्सीजन आएगी, ये ऑक्सीजन आई, कलर दूसरा लेते हैं, ये ऑक्सीजन आई यहां पे, जैसे ही ऑक्सीजन आई यहां पे तो इस हीमोग्लोबिन को अपना पुराना प्यार याद आया और हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ में जुड़ के और क्या बना लेगी, HBO2 बना लेगी, ठीक है। तो यहां पे जैसे ही ऑक्सीजन पहुंची तो इस हीमोग्लोबिन को क्या है, अपना इस ऑक्सीजन के साथ पुराना प्यार है वो याद आ गया, पहले प्यार तो था ही इनके बीच में तो वो याद आ गया इसको, तो क्या बना लिया, HBO2 वापस बना लिया। अब यहां से धोखा किसके साथ में हो गया, H के साथ में, जो H प्लस है उसके साथ में क्या हो गया, धोखा, ठीक है। तो यहां से जो H प्लस है वो रोता रोता यहां पर इकट्ठा होने लग जाएगा H प्लस, ठीक है। और प्लाज्मा के अंदर क्या था, प्लाज्मा के अंदर क्या था आपका, NaHCO3, ठीक है, ये था। अब यहां पर क्या होगा, Na जो है वो छोड़ के चला जाएगा, यहां पे जो सब चेंज हो गए भाई, सारा कुछ चेंज हो गया माहौल, अब इनका भी ब्रेकअप हो जाएगा। सोडियम जो है वो इसको छोड़ के अलग हो जाएगा Na प्लस, और यहां से जो है HCO3 नेगेटिव जो है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। और इस पे क्या होते हैं, दो प्रोटीन लगे हुए होते हैं, ये प्रोटीन है इसकी मेम्ब्रेन पे, ठीक है। तो यहां से HCO3 नेगेटिव जो है वो वापस अंदर जाएगा, वापस अंदर जाएगा, जैसे ही नेगेटिव अंदर जाएगा तो Cl नेगेटिव जो है वो बाहर आ जाएगा, Cl नेगेटिव देखो यहां पे अपन ने अंदर डाला था वो बाहर आ गया, ठीक है, Cl नेगेटिव बाहर आ गया। अब ये HCO3 नेगेटिव जो है वो अंदर जाएगा और जाके किससे, इस H प्लस से मिलेगा और दोनों H प्लस और HCO3 नेगेटिव आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, H2CO3 बना लेंगे, किसकी मदद से, एक एंजाइम, कौन सा एंजाइम, CA कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मदद से, ठीक है। जैसे उल्टा हो गया, पहले यहां से यहां गए थे अब यहां से यहां आ गए वापस। अब H2CO3 जो है वो किसमें टूटेगा, वो टूट जाएगा किसमें, CO2 और H2O में टूट जाएगा। तो यहां से अब CO2 जो है वो अकेली पड़ गई, अब CO2 को यहां से बाहर निकलना पड़ेगा, तो CO2 यहां से बाहर निकलेगी, बाहर निकली CO2 और कहां जाएगी, फेफड़ों में जाएगी और बाहर निकल जाएगी यहां से। CO2 को बाहर ही तो निकलना था अपन को, है ना, तो CO2 का पूरा ट्रांसपोर्ट यहां पे हो जाता है। एक पेज पर क्रिएट कर लेता हूं और मैं आपको थोड़ी सी बातें और बता देता हूं। ये जो Cl यहां से बाहर आई है, ये Cl बाहर आई है, इसको क्या कहते हैं अपन, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, रिवर्स क्लोराइड
शिफ्ट कहा जाता है इसको, लेकिन इसको जो है हेमबर्गर फिनोमिना नहीं कहा जाता है ना, इस चीज को हेमबर्गर फिनोमिना नहीं कहते हैं, समझ में आई बात, ठीक है, उसको कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट जो होती है उसको हेमबर्गर फिनोमिना कहा जाता है, इसको हेमबर्गर फिनोमिना नहीं कहा जाता, ठीक है, इसको रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान में रख लेनी है। बाकी ये आपको समझ में आया या नहीं आया, यहां से अपन ने CO2 को जो है टिश्यू के पास में CO2 बनती है तो उसको यहां से अपन ने लोड किया, ठीक है, ये सारा सिस्टम चलता है, और फिर अपन जो है लंग्स के पास में आके CO2 को छोड़ना था तो यहां से CO2 जो है यहां पे अपन लेके आए और CO2 को यहां से बाहर निकाल दिया। तो ये चीज आपको समझ में आई या नहीं आई जल्दी बताओ भाई, ठीक है, अगर नहीं आई तो एक बार वापस देख लेना, समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। आप लोग कमेंट करोगे ना तो मुझे पता लगता है यार, है ना, हर लेक्चर के कमेंट कर देगा आपको कुछ टाइम नहीं लगता, आप मुझे बताते रहोगे, फीडबैक देते रहोगे तो उस हिसाब से मैं जो अपनी स्टाइल वगैरह चेंज करता रहूंगा या फिर मुझे पता रहेगा कि यार मैं जो कर रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कम से कम, वरना मैं उसके लिए पहले आपको इतना कंटेंट बनाता हूँ उसके बाद आपको सामने प्रेजेंट करता हूँ और फिर आपको समझ में ना आए तो फिर कोई मतलब नहीं होता ना। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया करो कि भाई समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो कमेंट करके मुझे बताया करो तो मुझे फीडबैक मिलता रहेगी या समझ में आ रहा है यार इनको, ठीक है। चलो तो यहाँ तक हो गया अपना। अब मैंने आपको कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो एंजाइम है उसका जिक्र किया मैंने यहाँ पे आपको बार बार, है ना, ये देखो सी ए सी ए सी ए, ये जो सी ए है ये सी ए क्या है इसके बारे में आपको थोड़ी सी बातें बता देता हूँ। ये है आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो है इसके अंदर क्या होता है, ये जेडन युक्त होता है, इसके अंदर क्या होता है जेडन की मात्रा होती है इसके अंदर। और ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम है वो होता कहां पे है, वो होता आरबीसी के अंदर होता है। देखो जब भी तो मैंने आपको बताया ना ये सारा काम कहां हो रहा है, आरबीसी के अंदर हो रहा है ये सारा काम, है ना, तो ये सारा काम कहां होता है आरबीसी में, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो वो मौजूद होता है। इसके अलावा कुछ मात्रा में ये प्लाज्मा में भी पाया जाता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो है वो जो है जेडन युक्त होता है, इसके अंदर जेडन की मात्रा होती है। उसके अलावा ये उपस्थित कहां पे होता है, आरबीसी के अंदर ये पाया जाता है। उसके अलावा ये कुछ मात्रा में प्लाज्मा में भी पाया जाता है। अब एनसीईआरटी में ये रिएक्शन दे रखी है, ये रिएक्शन देखो एनसीईआरटी में दे रखी है, यहाँ पे देखो CO2 और H2O जो है ऐसे भी जाती है और ऐसे भी जाती है, ठीक है, तो ये अपने देख लिया ऐसे होता है ना, किसी मतलब सी ए से मतलब से H2CO3 बन जाता है, फिर H2CO3 ऐसे भी जाता है और ऐसे भी आता है, H+ और HCO3- नेगेटिव बन जाता है। तो ये कहाँ कहाँ होता है, देखो ये वाली जो रिएक्शन है ऊपर वाली रिएक्शन, ये रिएक्शन होती है आपके टिश्यू के पास में, ठीक है, CO2 और H2O मिलते हैं और क्या है H2CO3 बनाते हैं, फिर H2CO3 जो वो टूटता है किसमें H+ और HCO3- नेगेटिव, ये रिएक्शन कहाँ होती है टिश्यू के पास में होती है। नीचे वाली जो रिएक्शन है ये कहाँ होती है लंग्स के पास में, कैसी HCO3- नेगेटिव और H+ जो है आपस में जुड़ते हैं H2CO3 बनाते हैं और H2CO3 जो है वो टूटता है H2O और CO2 में और ये जो है CO2 बाहर निकल जाता है। तो ये नीचे वाली कहाँ लंग्स में और ऐसे जो जा रही है ये ऊपर जो ऐसे जा रही है वो टिश्यू के अंदर होती है, ठीक है, इस साइड में देखो, और नीचे वाली जो आ रही है ये लंग्स में होती है, लंग्स के पास होती है, समझ में आई या नहीं आई। तो ये रिएक्शन मैंने आपको बता दी, कार्बोनिक एनहाइड्रेस के बारे में बता दिया। अब एडिशनल दो पॉइंट है जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं उनको लेकर आप कंफ्यूजन मत बनाना, तो वो पॉइंट आपको मैं बता देता हूं, ये दो पॉइंट है, ठीक है, तो ये पॉइंट क्या कह रहा है, प्रति 100 ml ऑक्सीजनित जो रक्त है वो सामान्य शरीर के अंदर, सामान्य शरीर मतलब रेस्टिंग वाली कंडीशन है, एक्टिव कंडीशन नहीं रेस्टिंग कंडीशन, सामान्य शरीर क्रियात्मक स्थितियों में, ठीक है, उत्तकों को लगभग 5 ml O2 जो है वो प्रदान करता है। बताया मैंने आपको 5 ml O2 जो है प्रदान करता है, ठीक है, 5 ml O2 प्रदान करता है, तो ये एनसीईआरटी में दे रखा है। अब आपको ये पूछे कि 100 ml ऑक्सीजनित जो रक्त है उसके अंदर कितनी ml O2 होती है, तो बताओगे 20 ml O2 होती है भैया, लेकिन आपको ये पूछे कि 100 ml ऑक्सीजनित जो रक्त है वो उत्तकों को कितना प्रदान करता है, तो 5 ml, ठीक है, दोनों बातें अलग अलग हैं कि 100 ml रक्त, भाई एक बात तो ये देखो, मेरे पास में 100 रुपए हैं लेकिन मैं अपने दोस्त को 5 रुपए दूंगा, दोनों बातें अलग अलग हैं या नहीं है। अब कोई बोले कि मेरे पास में कितने रुपए हैं, मेरे पास में 20 रुपए हैं लेकिन मैं अपने दोस्त को कितने दूंगा, 5 रुपए दिए मैंने, तो दोनों बातें अलग अलग हैं या नहीं है, ठीक है। तो भाई 100 ml जो ऑक्सीजन रक्त है उसके पास में कितनी ऑक्सीजन होती है, 20 ml ऑक्सीजन होती है, लेकिन वो उत्तक को कितनी देता है, 5 ml ही देता है, तो दोनों बातें अलग अलग हैं, बातों को ध्यान में रखना, तो ये कंफ्यूज मत होना इसमें ना। तो सामान्य अगर क्रिया में है, अगर है कोई बॉडी तो उसके अंदर क्या होगा, 100 ml जो ऑक्सीजन रक्त है वो कितनी, 5 ml O2 जो है वो टिश्यूज को प्रदान करता है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट जो है वो CO2 के बारे में है, CO2 के बारे में क्या है, प्रति 100 ml वियोक्सीकृत जो वियोक्सीजनित जो रक्त है उसके द्वारा कूपिका में लगभग, कूपिका क्या एल्विलाई जो आपकी फेफड़ों में होती है, बता चुका हूं अभी, तो चैप्टर खत्म होने पे है, कूपिका में लगभग CO2 की 4 ml मात्रा जो है वो मुक्त होती है,
ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो जो आपकी CO2 जो है वो कितनी आती है टिश्यूज से, मैं यहाँ बना के दिखा देता हूँ, शॉर्ट में बना के दिखा देता हूँ। O2 कहाँ से? लंग्स से, टिश्यू के पास में कितनी आती है? 5 ml पर 100 ml ब्लड। ठीक है, आती तो 20 ml, लेकिन प्रदान कितनी करता है? 5 ml ही करता है। फिर दूसरा आप में लिखते हैं इसके लिए CO2 के लिए क्या हो जाएगा? ये टिश्यू से जाती है, टिश्यू से जाती है कहां पे? लंग्स से, लंग्स के पास में कितनी जाएगी? 4 ml, 4 ml CO2 जाएगी प्रति 100 ml ब्लड। समझ में आया नहीं आया? आया क्या? ठीक है, तो ये ब्लड कौन सा है? ये वाला ब्लड, ये भी लिख देता हूं, मैं बता चुका हूं आपको, ये पहले भी बता चुका हूं मैं आपको, लेकिन बता देता हूं, ये ब्लड है कौन सा? वियोक्सीकृत रक्त है, वियोक्सीजनित लिख देते हैं, वियोक्सीजनित रक्त है। और ये वाला कौन सा है? ऑक्सीजनित रक्त है। ठीक है, तो यहां पे जो है आपका परिवहन वाला जो पार्ट है वो होता है खत्म। और अपन अगले लेक्चर में बात करेंगे, रेगुलेशन की बात करेंगे, इसका नियमन कैसे होता है, कौन से दिमाग में कहां से आपकी जो है इसको कंट्रोल किया जाता है, आपकी जो श्वसन क्रिया है कैसे कंट्रोल किया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर अपन बात करेंगे विकारों की, और चैप्टर हो जाएगा समाप्ति। तो कल चैप्टर की समाप्ति हो जाएगी, अगला चैप्टर जो अपन स्टार्ट करेंगे परसों से। ठीक है, तो समझ में आया है नहीं आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो पसंद है लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।